الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم। आइए सबसे पहले हुजूर आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अनी से बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा अरवाहुना फिदा अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में इंतहाई अदब एहतराम के साथ हम और आप अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बावाज़े बुलंद पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद फी अव्वल कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद फी औसत कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद फी आखिरी कलामिना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसे तो हर महफिल में हम और आप सबकी तवज्जो महफिल में की जाने वाली गुफ्तगु की तरफ होनी चाहिए, लेकिन आज खुसूसी तौर पर मैं आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा। या तो आप अपने गर्दन को झुकाकर बगौर बयान समात करें, या तो मेरी तरफ देखकर समात करें। इधर उधर न देखें, इधर उधर तवज्जो न दें। कुछ लोग मोबाइल जेब से निकाल रहे हैं, नीचे रख रहे हैं, और कुछ लोग नीचे से लेके जेब में रख रहे हैं। यानी तसल्ली नहीं हो पाती कि इसे रखे तो कहां रखे। तो हम और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, उस दौर में बहुत सारे परेशानियों में से एक परेशानी मोबाइल की भी है कि उसे रात को रखें तो खिड़की के पास रखें कि तकिए के नीचे रखें, चार्जिंग में लगा के छोड़ दें, अच्छा नेट ऑफ कर दें कि स्विच ऑफ कर दें, यानी क्या करें इसके साथ, और उठने के बाद फिर उसके साथ और क्या करें। तो बहुत सारे मामला हमारे इससे जुड़े हुए हैं। तो आज के प्रोग्राम में आप जो है आखिर तक थोड़ा उससे भी दूर रहने की कोशिश करें, इसलिए कि आज की जो रात है ना, हकीकत में तो आप सबको यूं जमा करने की रात नहीं है। हकीकत तो ये रात आप सबको छोड़ देने की है कि आप इबादत करो, लेकिन हम इसलिए आपको जमा करते हैं कि अगर छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। यूं ही आदमी जाकर वक्त गुजारेगा, दो चार लोग मस्जिद में नमाज पढ़ लेंगे। तो हमने एक माहौल ये बनाया कि किसी एक टॉपिक को लेकर उस चीज का इल्म आपको दिया जाए। अब जो आप सुनेंगे वो मुकम्मल उस चीज का इल्म आपको आ जाना चाहिए। अब मैं आपको जो है ना, किसी भी एक महफिल को हम जिंदा कैसे रखते हैं, पहले इसे सुने। आज हमारी जो तकरीर है, जो टॉपिक है, वो है तकलीद। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन एक चीज को जिंदा कैसे रखते हैं,
अभी ये महफिल है, इस महफिल को आप जिंदा कैसे रखोगे। एक मरतबा एक इलाके में इज्तिमा था, कम से कम महीने डेढ़ महीने तक मेहनत किए, काफी लोगों को जमा करने की कोशिश की, इज्तिमा सब खत्म हुआ और लोग अपने अपने वतन यानी अपने अपने गांव चले गए इज्तिमा के बाद। तो दो चार गांव मेरा भी उसके बाद जाना हुआ जहां से लोग इज्तिमा के लिए आए थे। मैंने सोचा कि 7-8 घंटे का इज्तिमा हुआ, लोग इज्तिमा में शरीक रहे और बहुत मोहब्बत से आए, लोगों ने भी बहुत मोहब्बतें पेश की, उलमा ने बड़ी मोहब्बत से तकरीरें की। तो मैंने एक साहब से पूछा कि आप आए थे फना इलाके में इज्तिमा में, इज्तिमा कैसा था। हजरत कैसा गोश्त पलाऊंगा, कई बात चुप कैसा माशाल्लाह, अभी तक उसका मखर मेरा नाक में चाहिए बोले। यानी प्रोग्राम को आदमी याद कैसे रखा है, देखिए उसको जिंदा कैसे रखा है। वहां पे जो तकरीरें हुई थी, जो बातें समझाई गई थी, जो नसीहत हुई थी, जो इल्मे दीन सिखाया गया था, उसमें से किसी एक चीज का भी जिक्र नहीं है। अब जिक्र है तो किस चीज का है, तो होता ऐसे ही है, तो ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बताऊं महफिल को आप जिंदा कैसे रखेंगे, आप मेरी बात को गौर से सुने। मिसाल के तौर पर हम और आप एक जगह पर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मिसाल दे रहा हूं। एक जगह पर हम और आप सब टीवी के सामने बैठे और दो टीम का खेल देख रहे हैं। हाफिज अब्दुल रऊफ साहब एक टीम के फेवर में है, मैं एक टीम के फेवर में हूं, मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनके साथ कुछ लोग हैं। प्यारे मैं ये हंसने के लिए नहीं बता रहा हूं, मेरा यहाँ पर मेरी हर गुफ्तगु का आप मकसद समझने की कोशिश करें, उसका आप मजा ना लें। उनका और मेरा ग्रुप नहीं बता रहा हूं, मेरी और उनकी कोई टीम नहीं है। हम किसी भी गेम में, किसी भी खेल में, किसी भी टीम को सपोर्ट नहीं करते। हमारा जो कुछ है अहले सुन्नत व जमात, हनफियत, सुन्नी दावत इस्लामी मरकज, हमारी इतनी चीज है, हमारी टीम यही है। हाँ, हमारा जो कुछ है, हमारी पूरी जिंदगी का असल मकसद ही इन्हीं चीजों में है। बाकी ये मिसाल के लिए आपको समझाता हूं। आप और हम सब लोग खेल देखते हैं, कुछ लोग फुटबॉल के शौकीन हैं, कुछ लोग क्रिकेट के हैं, कुछ लोग टेनिस के होंगे, और भी बहुत सारे अल्लम गल्ला बहुत सारे खेल दुनिया के अंदर हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी खेल का शौकीन होगा। अच्छा, हम और आप जब खेल देखते हैं, बहुत तवज्जो से देखते हैं, बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं, बात तक अगर बाजू वाला बात करे तो उसको धक्का मार देते हैं। क्यों पता है कि अभी ये गेंद में 4 रन होना बाकी है, अभी ये बात कर रहा है, तो उसकी तवज्जो आप देखें कि कितनी तवज्जो से वो गेम को देखता है। अच्छा, गेम को देखने के बाद जब वो गेम खत्म हो जाए, जब बाहर जाते हैं हम, बाहर जाने के बाद सीधे अपने घर नहीं जाते, फिर एक याद दिलाता है, सेकेंड लास्ट ओवर देखा था तू, देखा था उसमें एक चीज तू नोट किया, फिर वो समझाता है उसमें क्या था। फिर ये बॉलर की जब तारीफ करता है तो वो कहता है नहीं तू नहीं देखा बैट्समैन, उसने ऐसा किया, यानी उस पे चर्चा होता है, तबसेरा होता है। आदमी उसको जिंदा रखता है, उस महफिल को, उस गेम को, उस मजलिस के बाहर भी जाकर उसने जिंदा रखा, यहां तक कि फिर घर गया और उसकी पार्टी को चाहने वाला मिला, उससे गुफ्तगू। यानी हम 2-4 घंटे या 2-3 दिन अगर फाइनल मैच देख लें, अगर हमारी अपनी टीम जीत जाए ना, तो फिर हम उसको कई दिनों तक जिंदा रखते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, आप कितनी महफिलों में बैठते हो, कितनी महफिलों से उठकर जाते हो, क्या इस महफिल से बाहर जाने के बाद कभी आप चर्चा करते हो, आज इस टॉपिक पे गुफ्तगू हुई, तुम क्या कहते हो, तुम्हारा इस हवाले से क्या ख्याल है, अच्छा तुमने कभी इसके हवाले से कोई बात पहले सुनी थी, तुम इस हवाले से पहले क्या जानते थे, क्या इस हवाले से कोई जिक्र होता है, कोई चर्चा नहीं। मैं ये कहता हूं कि आप जिस टॉपिक को जहां बैठकर सुनो, वहां से उठकर जाने के बाद अपने दोस्तों में उस टॉपिक का चर्चा करो। बात समझ रहे हैं आप, क्या करना चाहिए आपको, उस टॉपिक पे चर्चा करना चाहिए, उस टॉपिक पे बहस करना चाहिए। तुमने आज ये सुना, तुम क्या कहते हो, अच्छा ऐसा करते हैं, आज जो मौलाना ने, हजरत ने, मुबल्लिग ने, आज जो साहब ने बयान किया, वो मेरे समझ में तो नहीं आई, तो क्या करना चाहिए, चलो उनके पास चल के पूछते हैं, मैं आता नहीं, वो उधर आएंगे, नहीं ये सारी चीजें नहीं है।
आप जो है शक पैदा करो, सवाल पैदा करो, फिर उसके बाद उनके पास जाओ अपना सवाल। लेकिन सवाल जो है ना, जब भी आप किसी से सवाल करो, मकसद वो इल्म हासिल करना। मकसद क्या होना चाहिए? इल्म हासिल करना। एक जगह पर बयान किया गया, गौर से सुनिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी आलिम बाअमल को देखा उसने मुझे देखा, जिसने किसी आलिम बाअमल की महफिल में बैठा वो मेरी महफिल में बैठा। जब ये बयान हुआ ना तो चार लोग कमरे में आ गए, बोले हजरत एक सवाल है। खा क्या? बोले वो कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, हुजूर की महफिल और हमारी महफिल, हुजूर को देखना और किसी आलिम को देखना, ये कैसे हो सकता है? तो उसके दिल में ये शक आया, ये सवाल आया। अब कोई उसे डरा के भगाए ना, उसे समझाने का एक आसान सा तरीका ये है, ये हमारा कहना नहीं है, हुजूर ने फरमाया है, तो बस हुजूर के फरमान को हमने आप तक पहुंचाया है। अगर ये कोई आलिम या कोई दूसरा बोले तो इस बात को हम गलत कह सकते थे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा है तो इस बात को हम गलत नहीं कह सकते। हमें उम्मती होने के नाते हम पर यह हक बनता है, हुजूर ने जो फरमाया उसे माना। लेकिन हर बात ऐसी नहीं हो सकती ना, तो कुछ ना कुछ बातें कभी ना कभी कोई आपसे कहे तो उसमें शक जरूर होता है, उसमें सवाल पैदा हो सकता है। तो हम और आप याद रखें, दीन को जब तक मुकम्मल समझेंगे नहीं ना, तब तक हमें मुसलमान होने का मजा आएगा ही नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमें इस्लाम पर मजा आए, अपने मुसलमान होने पर हमें बहुत खुशी हो, फखर महसूस हो, वो कब होगा पता है? जिस दिन हम इस्लाम को मुकम्मल समझेंगे। जिस दिन मुकम्मल इस्लाम समझ में आ गया, उस दिन आपको अपने मुसलमान होने पर फख्र होगा, आपको मुसलमान होने पर फख्र होगा, और आप सामने वाले को बड़े अच्छे अंदाज से आप किसी को समझा सकते। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, यहाँ पर वो है नहीं, अगर होते तो मैं आपको गवाह, उनको गवाह बनाता। बहरहाल इलाके में है, यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं और दो साथी एक जगह से आ रहे थे, और हम लोग जब एक जगह से आए, इधर तवज्जो दे आप, इधर तो मैं शुरू से कह रहा हूं ना, सबसे असल क्या है? आपकी तवज्जो। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मुहम्मद वाला आले सैयदिना मुहम्मद, सलातो व सलामन अलैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब सब देखेंगे इरफान कर क्या रहा। अब असल में इरफान जो है सीमेन है, जहाज में 9 महीने काम करके आया, तो आदत है जब भी कुछ काम की चीज देखे तो करेगा ही अल्लाह का बंदा। अल्लाह और ताकत और कुव्वत अता फरमाए और मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, लेकिन आप लोगों को अल्लाह सुनने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग इधर तवज्जो दें। तो हम लोग एक जगह से आ रहे थे, तो होता क्या, आज के हालात के हिसाब से मैं आपको बताता हूं, हमारे एक साथी से एक पुलिस वाले ने सवाल किया। क्या सवाल किया? तुम पहले मुसलमान हो या तुम पहले हिंदुस्तानी हो? यह सवाल हो सकता है कि आइंदा आप लोगों से भी हो। अच्छा, जब आपसे यह सवाल होगा तो यह सवाल के बाद आप जवाब क्या देंगे? डर लगने लगता है। अगर ऐसा सवाल आए ना, आदमी परेशान होता है। अगर मैं इधर तवज्जो दे, इधर इधर तवज्जो, वो अपने काम बिल्कुल दिलचस्पी से कर रहे हैं, उनको करें, आप अपना काम करें, इधर तवज्जो दें। सवाल आपसे किया जाए कि आप पहले हिंदुस्तानी हो या आप पहले मुसलमान हो, आप सोचेंगे कुछ भी कहा तो मैं परेशानी में आ जाऊंगा, अब क्या करूं? अब हमारे साथी से भी सवाल हुआ, उसको पकड़ लिया, पूछा, पूछने लगा। मैंने पूछा क्या हुआ, तो फिर मैं करीब गया, मैंने पुलिस वाले से पूछा मसला क्या, क्या मामला है, कुछ चीज कमी है, क्या हो गया? नहीं, कहा मैंने इनसे एक सवाल किया कि तुम पहले मुसलमान हो या पहले हिंदुस्तानी हो? मैंने कहा ये दोनों नहीं, पहले ये दोनों नहीं।
तो फिर पूछा पहले क्या है? मैंने कहा ये सबसे पहले अच्छे इंसान है। ये क्या है? सबसे पहले अच्छे इंसान है, इसलिए कि जो अच्छा इंसान होगा वो अच्छा मुसलमान भी होगा, अच्छा हिंदुस्तानी भी होगा। जो अच्छा इंसान होगा वो अच्छा हिंदुस्तानी भी होगा, वो अच्छा मुसलमान भी होगा। ये सबसे पहले अच्छे इंसान है, इसलिए अच्छे मुसलमान भी हैं, अच्छे हिंदुस्तानी भी हैं। अब मैंने कहा सर आपसे सवाल कर लूं, आप पहले क्या है? तो कहता है मैं भी पहले सबसे पहले अच्छा इंसान। तो होता ये कि हालात के हिसाब से आदमी को सवाल और जवाब करने का तरीका आना चाहिए। वो आएगा कब? जब हम सुनने के बाद उस पर कोई चीज पूछें, उस पर डिस्कस करें, उस पर तबसेरा करें। हमने कोरोना पे बहुत तबसेरा किया, रात दिन बात करते रहे, इतने आए, इतने आज पॉजिटिव, इतने नेगेटिव, वहां यहाँ इधर उधर ऐसा वैसा वो ये बहुत तबसेरा किए। लेकिन हम और आप में से अगर कोई किसी एक को कहा जाए कि तुम कोरोना पे 10 मिनट लोगों को समझाओ, नहीं समझा सकते। इसलिए कि हम क्या तबसेरा किए पता है? इन्होंने जो मुझसे कहा ना, मैंने आपसे वो कहा, मुझसे आप जो सुना वही आपने उधर। यानी जैसे व्हाट्सएप का मैसेज फैलाते नहीं थे, वैसे ही ये सुनी हुई बात वहां तक सुना दिया, फिर वो सुनी 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 बात जाती थी। हमने उस पे कोई इल्म हासिल नहीं किया, उससे हमने कोई मालूमात हासिल नहीं की, और उससे बचने या लोगों को उसके हवाले से कुछ बताने का हमने तरीका नहीं सीखा उसमें। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि जिंदगी के अंदर मुझे और आपको अगर कामयाब होना है तो सबसे पहले इल्म सीखने का शौक पैदा करना, चाहे वो दीनी इल्म हो, चाहे दुनियावी इल्म हो, वो किसी भी एतबार का, सियासी इल्म हो, बिजनेस के मामला, तो सबसे पहले मुझे और आपको उसमें सीखने की जरूरत है। जब आदमी सीखता है उसके बाद वो जो चीज करता है उससे उसे बहुत मजा भी आता है और उसका वो पूरा फायदा उठा सकता है। तो जो भी टॉपिक आज क्या होते हैं, मैं आपसे दो चार सवाल करके टॉपिक शुरू करूंगा। क्यों पता है? उसकी वजह यह है कि हमारे दिमाग के अंदर उस बात को समझने की सलाहियत पैदा हो जाए, हमारे दिल के अंदर उस बात को जमा करने की ताकत पैदा हो जाए, हमारे जबान के अंदर उसके हवाले से एतराज करने की ताकत पैदा हो जाए, और बोलने वाले को उस एतराज को सुनने की ताकत पैदा हो, और दोनों के दरमियान इल्म का मामला इतना प्यारा हो कि वो जो भी कुरान और हदीस, इजमा और कयास की रोशनी में जो भी बात अहले सुन्नत और जमात के उलमा की किताब से साबित करेगा, अवाम अहले सुन्नत पर ये लाजिम है कि वो उसकी बात को मान ले, उसके सामने फिर कोई जिद करके अपनी अना की वजह से अपनी आखिरत खराब ना करे। अब बात समझ रहे हैं ना आप? ये बात मुकम्मल समझना चाहिए। अच्छा होता क्या है दुनिया के अंदर, मामला होते क्या है? आदमी क्या कहता है कि मैं सही हूं? मैं आपको बताऊं, बहुत सारी जगह पर आदमी सही होता नहीं, वो अपने आप को सही समझता है। मैं समझूं कि इस वक्त मैं जो कह रहा हूं 100% सही है, ये गलत है। हो सकता है कि मेरा ये तरीके कलाम सही हो, ये जरूरी नहीं है, मुझे दूसरे तरीके से कलाम करना चाहिए, हो सकता है इसके माहिरीन इस हवाले से बताएं। लेकिन हर आदमी अपने को सही समझ बैठा तो फिर मामला बिगड़ते। मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूं, आप थोड़ा सा मेरा साथ देंगे। कैसे पता है? आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, थोड़ा बोलेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा बीच में कुछ भी बोलेंगे ना, हाँ सुभान अल्लाह जी सही है, कुछ ना कुछ आप या ऐसी बिल्कुल, तो मुझे भी डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब ये वक्त का इंतजार, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे बोलेंगे ना इंशाल्लाह। हम आप सब माँ बाप की औलाद, किसके औलाद है? हमने अपने घर पे माँ बाप को देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा, है ना? अक्सरियत ने अपने वालदेन को देखा, और कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी क्या इस जमाने में तो अक्सर ऐसा होता है, माँ बाप के दरमियान दो दो बात हो जाती है, और कभी ऐसा मोड़ आता है
एक बेटा घर पे है, मां और बाप के दरमियान इख्तलाफ हुआ, मां ने कहा बेटा ये कर, बाप ने कहा मत कर। ये मुस्कुरा रहा है, इसके मतलब इसके साथ ऐसा तजुर्बा हुआ होगा। बहरहाल जो भी मुस्कुरा रहे हैं आप समझ सकते हैं उनको देखकर, उनके घर में कभी ऐसा माहौल बना होगा। अल्लाह तबारक व ताला खुशी के माहौल के साथ हमें जिंदगी की आखिरी सांस तक पहुंचाए और उसमें ईमान भी सलामत रहे, इस्लाम भी सलामत रहे, इज्जत आबरू भी सलामत रहे, सारी चीजों की सलामती के साथ अब अपनी जिंदगी के इख्तिताम तक पहुंचे। आमीन। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाऊं, मां और बाप में इख्तलाफ हुआ किस चीज को लेकर, बेटे को लेकर। मां ने कहा बेटा मैंगलोर जा, बाप ने कहा बेटा मैंगलोर मत जा। मां ने क्या कहा मैंगलोर, बाप ने क्या कहा मत जा। अब अगर बच्चा घर पे रहता है तो मां बाप का वफादार है या मैंगलोर जाता है तो मां बाप का वफादार है? घर पे रहता है तो मां बाप का वफादार है? बोलिए, जवाब दीजिए ना। मां ने कहा मैंगलोर जा, बाप ने कहा मत जा। अब वो नहीं जाता है, घर पे बैठ जाता है तो मां बाप का वफादार है वो? बोलिए, वो चला जाता है मैंगलोर, मां बाप का वफादार है? लेकिन हम और आप क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं। मां ने कहा मैंगलोर जा, बाप ने कहा मत जा, बेटा बोलता मैं जाता जी नहीं, मैं वो क्या समझता है मैं जाता जी नहीं, मैंने सही किया, ऐसा ही समझते ना लोग। ये सही नहीं है ना, ये गलत है। इसलिए कि उसने मां की बात को नहीं माना, बाप की बात को माना, उसने एक के साथ बेवफाई किया। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना अब बेटे को क्या करना चाहिए, मैं कहूंगा तलपाड़ी तक जाके रिटर्न आना चाहिए। सही क्या है, सही तरीका क्या है इसका? मां भी खुश, बाप भी खुश, उसका सही तरीका क्या है? घर से जाए भी, मैंगलोर पहुंचे भी ना, कहे वाली तुमने कहा था मत जाओ, मैं मैंगलोर नहीं गया, माने तूने कही मैंगलोर जा, मैं तो गया था, यानी जाकर पहुंचा नहीं, इसलिए बाप की बात माना, निकल गया था वहां मां की बात भी माना। बात समझ में आई आपको? बेटा सही कब होगा? अरे बोलो कब सही होगा? हाँ, तलपाड़ी से वापस आए। बात समझा रहा हूं मैं आपको। लेकिन अक्सर लोग क्या बोलते हैं, मना कर दिया गया, नहीं जाता जी नहीं, ये गलत हो गया। अब लोग इसी को सही समझते, लोग इसी को क्या करते। और एक मिसाल मैं आपको देता हूं, और एक मिसाल आप बात समझने की, मैं आपको बात पहले मुकम्मल समझा दूं। अगर अहले सुन्नत बात को समझ जाए, अहले सुन्नत के खिलाफ जितने भी फिरके हैं उनके हमलों को आसानी से समझ जाएंगे, ये हमला कैसे करते हैं। तो इनका हमला ऐसे ही होता है जैसे मैंने अभी माँ बाप की छोटी सी मिसाल दिया। दूसरी मिसाल देता हूं, एक आदमी, यहां तकरीबन जितने भी लोग बैठे हैं ना, इसमें अक्सर लोग वो हैं जो हिंदुस्तान के बाहर भी कई एक मुल्कों का सफर किए हुए हैं। अभी हमारे सामने एक साहब बैठे हुए, शायद कल ही दुबई से आए वो, हो सकता है परसों को यहाँ से जाने वाला होगा। ऐसे अभी आप देखिए हमारे ये प्रोग्राम में लाइव चैटिंग जो शुरू है उसमें से एक साहब लिखते हैं मैं फला इब्ने फला इस वक्त अफ्रीका में हूँ, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में होंगे, कुछ कनाडा में होंगे, है नहीं। बहरहाल एक फैमिली हमारी जो है हिंदुस्तान से बाहर गए हुए थे, बीमार होकर अभी वापस अपने वतन आए हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला मोहतरमा हसीना को जो है मुकम्मल शिफा अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आफियत अता फरमाए, अल्लाह उनके साथ खैर का मामला फरमाए। उन्होंने दुआ के लिए कहा था, मैंने दुआ कर दी, आप सब भी दुआ कर दें कि अल्लाह तबारक व ताला उनके साथ खैर का मामला फरमाए। अक्सर क्या होता है, हम और आप दुनिया का जो रिवाज और माहौल है ना,
हजरत की भी तवज्जो चाहूंगा मैं, तवज्जो दे रहे ना, सुन रहे ना। और ना हजरत तो बड़े इल्म वाले लोग तो जो है वो आप लोगों की मोहब्बत में बैठ गए, वरना तो हजरत ज्यादा जानते हैं, वो आपको समझा सकते हैं, लेकिन मोहब्बत है तो बैठ गए। बहरहाल मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ इस पर ये बात सुने आप, लोग जो बहकाते हैं ना उस बहकाने का तरीका ये होता है, एक शख्स आपकी मोहब्बत में अफ्रीका से, अमेरिका से, लंदन से, या तो सऊदी से, दुबई से हमारे गांव उपड़ आया। कहां पे आया? अच्छा उपड़ा में भी वो कहां आया पता है? बुप्पई तुट्टी आ गया, मणिमुंडा आया, बुप्पई तुट्टी आया। हाजी बशीर साहब ने कहा मणिमुंडा नहीं, वो बुप्पई तुट्टी आया। चलो बेरे यार वो कहां पर आया? बुप्पई। हाँ आप, आपको हाँ वो बुप्पई तुट्टी आ गया, बुप्पई तुट्टी आया। आने वाला कहां से आया? अरब से आया। आया कहां? पुप्पई तुट्टी आया। अच्छा हमारे लिए वो पुप्पई तुट्टी आया, उसके लिए वो पुप्पई तुट्टी नहीं आया, वो कहां आया? उपड़ा भी नहीं आया, केरला भी नहीं आया, वो इंडिया आया। वो कहां पे आया? वो अब उसके, अगर उसके जहन से अगर हम सोचें तो वो बप्पई तुट्टी नहीं आया, वो इंडिया आया। लेकिन हम अपनी नजर से देखेंगे तो कुछ लोग कहेंगे अरे वो केरला आया, कुछ लोग कहेंगे नहीं वो कासरगोड आया, कुछ लोग कहेंगे वो तो उपड़ा मंगलपाड़ी पंचायत में है, कुछ कहेंगे वो तो बप्पई तुट्टी आया, फिर कोई कहेंगे नहीं वो तो फला गली में आया, फिर कोई कहेगा अरे वो तो फला साहब के घर पे आया, फला साहब के, अब कहेगा वो तो इफ्तिखार भाई के घर पे आया, यानी उनकी निगाह में उनके घर आया, पड़ोसियों की निगाह में उनके घर आया, मोहल्ले वालों की निगाह में अपने मोहल्ले आया, गांव वालों की निगाह में गांव आया, डिस्ट्रिक्ट के एतबार से डिस्ट्रिक्ट आया, स्टेट के एतबार से स्टेट आया, लेकिन चूंकि वो दूसरे मुल्क वाला है अब वो इस मुल्क आया। अब हुआ क्या, जिनके घर वो आया था उन्होंने क्या सोचा कि यार हम अपने इलाके का कोई डिश, कोई भी एक खाने का आइटम इन्हें खिला देते हैं। तो इत्तेफाक से उन्होंने क्या किया पता है? सुबह सुबह मुटकुला खिला दिया। अरे हंसी है ना, मैं आपको समझा रहा हूं, हजरत मुटकुला समझते हैं? हाँ अब ये मुटकुले पे एक बात याद है, मैं आपको बताता हूँ। मरकज में एक मुदर्रिस साहब थे, मैं एक दिन रबीउल अव्वल शरीफ के दिन सुबह सुबह आया, मेरे नानी के घर पे मीलाद शरीफ पढ़ने के लिए उनको लेके गया, साथ में ले गया, मीलाद शरीफ पढ़ के आए यहाँ पर। तो सैयद साहब ने उस हजरत से पूछा कि हाफिज साहब आपको ले जाए तो क्या खिलाए? बोलते हजरत वो चुटकुला खिलाए। वो मुटकुला को चुटकुला बोल दिया, चुटकुला यानी लतीफा, जोक हो जाता है वो सुनने वाली चीज, खाने वाली नहीं। तो शुरुआत में ऐसे होता है, चुटकुला नहीं मुटकुला, मुटकुला बेरिया। उसने क्या खिलाया? गांव के हिसाब से खिलाया, बंदे ने कि मुटकुला खिला दो। गौर से सुनिए आप इस बात को, वो खिला दिया। अब वो जो है ना उसको इतना अजीब लगा, इतना अजीब लगा, कहा यार ये कोई खाना है? अब वो जो है ना चूंकि वो आया था अरब से, वो पप्पई तुट्टी नहीं आया था, वो उपड़ा नहीं आया था, वो कासरगोड केरला नहीं आया था, वो कहां आया था? इंडिया आया था। अब जब वो जाकर उस खाने की बुराई करेगा तो पप्पई तुट्टी के खाने की बुराई नहीं करेगा, पूरे इंडिया के खाने की बुराई करेगा। जबकि ये सही है, हजरत को पता ही नहीं मुटकुला क्या है, बंगाल में पता ही नहीं मुटकुला क्या है, आसाम में पता ही नहीं मुटकुला क्या है, जबकि ये स्टेट हिंदुस्तान में है। तो पता क्या चला कि जब आदमी किसी जगह की तारीफ करे या किसी जगह की बुराई करे तो वो अपने सोच के हिसाब से ही नहीं करे, वो माहौल को देखे और उस हिसाब से उसे इल्म हो। उसका सही तरीका ये है, मैं हिंदुस्तान में साउथ में एक जगह गया था जिस स्टेट को केरला कहते हैं, केरला में मैं कासरगोड गया था, कासरगोड में मंगलपाड़ी पंचायत में अपने एक दोस्त के घर गया था, जहां पर मुझे ये खिलाया गया, शायद के वो उस इलाके का डिश हो, मुझे अच्छा नहीं लगा। ये सही तरीका है, पूरे हिंदुस्तान को बदनाम करना ये सही बात समझ में आपको? होता ऐसे ही है ना,
जो लोग ऑस्ट्रेलिया जाके आते हैं वो किसी एक इलाके में, ऑस्ट्रेलिया में कैसा मालूम हुआ वैसा ऐसा, हालांकि बेचारा चार गली में ही रहता है। तो चार गली में रहने वाला पूरे ऑस्ट्रेलिया की तारीफ या बुराई नहीं कर सकता, इसलिए कि उसने पांचवी गली देखा नहीं। कनाडा में रहने वाला सात आठ गली देखने वाला पूरे कनाडा की तारीफ या बुराई नहीं कर सकता, वो सिर्फ उसी इलाके की बात करे वो जहां जाकर आया। तो इसी तरीके से आज के इस दौर में हम और आपके साथ अहले सुन्नत और जमात के मामलात को लेकर भी लोग इसी तरीके से बहकाने की कोशिश करते, और जब बहकाते हैं तो याद रखें सबसे ज्यादा मीठी जबान वो इस्तेमाल करता है जिसे बहकाना होता है, प्यारा अंदाज वो इख्तियार करता है जिसे बहकाना होता है, और लोगों में ज्यादा मेहनत करके वो अपनी चीज को जो कहता है कि मेरी चीज मेरी चीज मेरी चीज, उसकी वजह क्या है मैं आपको एक बात बताऊं, जिसके पास असली चीज होती है उसे चिल्लाना नहीं पड़ता खरीद लो, जिसके पास नकली चीज होती है वो हजार तारीफ करता है। असली चीज को आप फौरन ही, आपको पता ही असली है, आप जाते हो बगैर पूछे लेके आते हो, बगैर पूछे ले आते हो। नकली चीज में 10 सवाल करो 20 जवाब लो। और आपको एक बात पता है, हम और आपकी दूसरी एक कमी क्या है पता है, हम चप्पल की दुकान में गए या कपड़े की दुकान में, कोई भी दुकान में जाओ, हो सकता है उसमें से आप किसी बिजनेस में जुड़े भी होंगे, हम कभी कभी चप्पल वाले से चप्पल देख, ये चप्पल क्यों, अच्छा चप्पल अब भी हो चिरनी मस्त है, हम लोग क्या बोलते मालूम है क्या, अच्छा है गते लेना। अरे अल्लाह के बंदे मुझे आप कोई ऐसी दुकान बताओ जहाँ पर आप सामान खरीदने गए, मतले मतले खराब है, बोला होगा कोई दुकान वाला, कोई दुकान वाला अपनी चीज को खराब बोलेगा ही नहीं। तो ये तरीका ही नहीं है। इधर आने वाले आएंगे, इधर देखिए तवज्जो दे, इधर तवज्जो दे। हम जब भी किसी से कोई सवाल करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें सच ही बताता हो, लेकिन जो असली चीज होती है ना कभी उसके हवाले से कोई सवाल करता है और ना ही असली चीज बेचने वाले को जवाब देना पड़ता है, इसलिए कि असली चीज वो जाहिर है, सूरज की रोशनी से भी ज्यादा जाहिर है, आदमी फौरन उस चीज को खरीद लेता है। तो अहले सुन्नत और जमात पर जितने हमले होते हुए आए हैं उतना किसी और पर इतना नहीं हुआ, लोग किसी पर नहीं करते, हम पर ही, हम अहले सुन्नत हैं तो हमारी हर चीज पर एतराज है। हम शबे बरात में लोगों को जगाकर इल्म सिखाए इस पे भी एतराज, हम 6 रकात नफिल नमाज पढ़ाए इस पर भी एतराज, हमने मिलाद पढ़ाए इस पे भी एतराज, खजूर सामने रख के उस पे भी एतराज, अच्छा वो जो गोश्त पुलाव खाकर गए उस पे भी एतराज, दावत में आते हैं ना बुलाते हैं तो खाकर भी जाते हैं फिर उस पे भी एतराज करते हैं, अच्छा रातीब पे भी एतराज, रातीब के शिरनी पे भी एतराज, यानी हम जो करें हम पे एतराज, हम और आपने कभी उन पे एतराज ही नहीं किया, हमने उन पे एतराज नहीं किया, हम लोगों ने अपने हवाले से लोगों को समझाने की, उन्हें हमें जवाब नहीं देना, हमें जो है आप सबको उनके हमलों से बचाना है। क्यों पता है, अहले सुन्नत और जमात के अलावा किसी भी तरफ आप जाएंगे तो आपको जो है ना इस्लाम की ये जो नूरानियत है ये आप कहीं नहीं पाएंगे। आप और हम शबे बरात में यहां बैठे हुए हैं इसलिए बैठे हुए हैं कि हम सुन्नी हैं, हम शबे मेराज पे मस्जिदों पे इसलिए रहते हैं कि हम सुन्नी हैं, शबे विलादत मुस्तफा में हम रात जागते हैं कि इसलिए हम सुन्नी हैं, हम ताक रातें मनाते हैं इसलिए कि हम सुन्नी हैं, हमारे यहां पर ये सारा मामला इसलिए होता है कि हम सुन्नी हैं, और हमारी हर चीज पे एतराज। इधर देखिए, अगर किसी को ज्यादा नींद आती हो ना तो बाहर चाय का इंतजाम है, पीकर आ सकते हैं, पीकर आ सकते हैं, लेकिन आज जो है ना आप मेरी बात को गौर से, मैं जो है इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए मैं खुद बहुत मेहनत किया, मैंने खुद अपने अकल को इसमें लगाया कि मुझे किस तरीके से समझाना चाहिए। याद रखें समझाने का अलग अलग तरीका है,
अगर सारे आलिम बैठे हुए हैं तो उनमें कोई अगर बड़ा आलिम रहे तो उन्हें इस अंदाज से समझाने की जरूरत नहीं है, आलिमों को इस अंदाज से समझाने की जरूरत नहीं है। हर चीज में अलग अलग, चूंकि आप इस मामले में अभी तालिबे इल्म हो, स्टूडेंट हो, शुरुआत है आपका, तो आपको समझाने में भी बहुत अकल की जरूरत है और इस टॉपिक को समझने में भी बहुत अकल की जरूरत है। इसलिए कि ये जो टॉपिक है ये बहुत खुश्क है, इसको समझने में दिल दिमाग सब हाजिर होना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जब आदमी को समझ में आ जाए ना तो आसान होता है। जैसे रमजान करीब है, रमजान करीब है तो इधर देखे पहले, इधर आने मैं आने का ना, इधर देखो आप तवज्जो दो, रमजान करीब है। रमजान में आपने देखा, हमने देखा कि लोग जकात निकालते हैं, जकात निकालते हैं कि नहीं। अभी चार दिन पहले एक बंदे ने फोन किया, पूछा हजरत जकात देना है तो क्या रमजान से पहले दे सकते। याद रखें, जकात रमजान में ही नहीं देना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जकात का मसला ये है कि आपने ये सोना खरीद लिया, अभी समझो ये सोना आज आपने खरीदा 15 शाबान को, और अगले साल 15 शाबान इस पर आ गया है, आपके पास मौजूद है, तो अब इस पर जकात फर्ज। मसला समझ में आया कि साल गुजरना चाहिए उस पर, क्या गुजरना चाहिए, साल गुजरना चाहिए। अब आप पे शाबान पे जकात फर्ज हो गया, आप रमजान में दे रहे हैं। रमजान में आदमी इसलिए देता है आगे पीछे करके, कभी उस पे शव्वाल पे जकात फर्ज है, कभी ज़िलक़ादा पे फर्ज है, लेकिन वो रमजान में ही दे देता है। अभी शाबान में खरीदा था, अगले साल शाबान में इस पे जकात फर्ज है, लेकिन इसी रमजान में दे दिया। रमजान में लोग जकात इसलिए देते हैं, शाबान में जकात देगा एक रुपया देगा तो एक ही रुपये का सवाब, अगर रमजान में देगा तो एक के बजाय 70 मिलेगा। रमजान में जकात क्यों, और जकात का भी ये बात मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आदमी जकात के हवाले से भी मैं आपकी एक बात बहुत आसानी से समझाऊंगा। लोग क्या कहते हैं पता है, माल मेरा है, मैंने कमाया, मैंने मेहनत की और रात दिन मेहनत करके मैंने अपने बैंक बैलेंस में 1 करोड़ रुपए जमाया। अब मौलाना साहब कहते हैं कि 1 करोड़ से 2.5 लाख रुपए निकालो, 1 करोड़ से कितना निकालो 2.5 लाख रुपए निकालो। मैं 2.5 लाख रुपए निकालूंगा, मेरा है, मैं इस्तेमाल करूं तो क्या हो जाएगा। मैं आपको एक मिसाल के तौर पे एक बात बताता हूं, आप दुकान गए 1 किलो केला लेकर आए, कितना किलो केला लेकर आए, बड़ा वाला, क्या बोलते हैं उसको, नैंद्रा काई, आप 1 किलो लेके आए। आप बताइए, अगर आप 4 दोस्त खाए और जितना लाए थे वो पूरा खत्म हो गया, आप चारों ने मिलकर कितना किलो खाया, 1 किलो खा लिए चारों मिलकर, चमड़ा भी खा लिए, चमड़ा वजन में नहीं आया। जब आप वजन किए थे तो क्या चमड़ा वजन में नहीं था, था, लेकिन आप जब खाते हैं तो चमड़े का वजन नहीं है। हम लोग, हमें 1 किलो केला खाया, नहीं खाया भाई तू 1 किलो, तूने 800 ग्राम खाया, फिर वो 200 ग्राम क्या था, वो छिलका था। 5 किलो का तरबूज लाए, आप खाते 4 किलो तरबूज हो, 1 किलो उसका छिलका है। आप मछली लाते हो 3 किलो, आप खाते हो 2.5 किलो, बाकी क्या है, बाकी जो इसमें छिपला है, बाकी काटा है, बाकी उसमें गंदगियां हैं। अगर कोई छिलके के साथ केला खाएगा बीमार होगा, प्याज के छिलके के साथ खाएगा बीमार होगा, तो बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे फ्रूट, बहुत सारे खाने वाली चीज, अगर आप 20 किलो का बकरा लाते हो, आप 20 किलो बकरा नहीं खा पाएंगे, आप जब उसको साफ करेंगे शायद कि आपको उसमें से 12 या 14 किलो मिले, ये बाकी जो गया वो गंदगी है, वो खराब है। अगर आप उस सब को 20 किलो बकरा खा जाते आप बीमार हो जाते,
आप 1 किलो केला खाते तो बीमार होते, तब आप समझ जाइए जैसे केले के छिलके के अंदर आपको नुकसान है, प्याज के छिलके में नुकसान है, उसी तरीके से वो 1 करोड़ में जो 2.5 लाख है वो 1 करोड़ के ऊपर लगा हुआ छिलका है, अगर उसे नहीं निकालेंगे वो पूरा खाना आपके लिए नुकसान दे साबित होगा। बात समझ में आई आपको? तो जैसे ये छिलका है उसको निकाल के खाएंगे तभी आपको फायदा देगा। तो अब 1 करोड़ के ऊपर 2.5 लाख का छिलका लगा है, उस छिलके को निकालो, अब उस छिलके को जहां देना है आपको वहीं देना है, अगर वहां दे दिए उसका भी भला और जो आपके पास जितना बचा था वो आप लेंगे तो आपका भी भला ही हो। जकात हर चीज में हम देते, जकात हर चीज में नहीं देते। कपड़ा आपने 7 मीटर बशीरा जी के यहां से खरीदा, पूरा जुब्बा आपका 7 मीटर का बनेगा, आपका तो टोटल जो बना वो 5.5 मीटर में बना, आपको 5.5 मीटर दे मुझे उतने में बनता है, टेलर कहेगा नहीं भाई उसमें पहले जकात निकालना पड़ता है। तुमको कपड़ा पहनने के लिए कपड़े का जकात निकलेगा फिर जाकर तुम कपड़ा पहन, तो हर चीज में है वो। तो हमें वो सोचना चाहिए, हमारी अकल को हमें वहां तक ले जाना चाहिए। तो इंशाअल्लाह जैसे ये बात आप समझ गए ना, इसी आसानी के साथ आप अहले सुन्नत को भी समझ पाएंगे। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ اور ایک مرتبہ پڑھ لیں، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج کا हमारा टॉपिक है तकलीद। क्या है बोलिए, क्या है? अच्छा, इसमें आप में से बहुत सारे लोग तकलीद का जुमला जो है पहले भी सुने होंगे। तकलीद, तकलीद किसे कहते हैं? तकलीद, आप लोग थोड़ा इधर आ, जो लोग बाहर हैं वो लोग भी अंदर आ जाए, थोड़ा आप लोग अंदर आ जाए, इधर आ जाए, दुरूद पाक पढ़े। जो लोग बाहर बैठे उनसे गुजारिश है कि वो सारे लोग जो है ना अंदर आ जाए, आप लोग आगे हो जाए, आगे हो जाए, जो अंदर वाले वो बाहर ना जाए, बाहर वाले अंदर आ जाए। अच्छा, ये जो है ना, अभी तक मैं आपको जो है ना टॉपिक समझना कैसे है वो समझाने के लिए समझा रहा था। टॉपिक को समझना कैसे है वो समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा था, और अब आपने इसको बहुत गौर से सुनकर इसको समझना है इंशाअल्लाह। अगर समझ में बात नहीं आई, आप भी हमारे इलाके वाले, मैं भी आपके इलाके वाला हूं, तो इंशाअल्लाह मौलाना आसिफ साहब इधर करीब आ जाए, हाफिज सादिक साहब इधर आ जाए। वो मैंने जो एक वाकया नहीं सुनाया था आपसे, पुलिस वाले ने सवाल किया था, वो मौलाना आसिफ से ही किया था। हाँ, मैंने कहा ना कि गवाही दिलाऊंगा। अब पता नहीं उनको याद है कि नहीं। एक मरता हूं बस, से फिर से दुरूद पाक पढ़े, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم। इसलिए कि ये जो मैं आपको आज टॉपिक बताने जा रहा हूं ना, ये आज की जरूरत है, और आने वाले दिनों में हम और आपको बहकाने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, और आने के बाद में हम और आपको बहकाएंगे, ये तकलीद तुम क्यों करते हो, तकलीद क्यों करते हो, तकलीद क्या है? तकलीद के दो माने, लुगवी माना अलग है डिक्शनरी का, वो अलग है, शरई माना वो अलग है। लुगवी माना और शरई माना, ये दोनों अलग अलग है। अच्छा, जब भी आपको कोई पूछे तुम तकलीद क्यों करते हो, तकलीद क्यों करते हो, कहना मैं तकलीद जो करता हूं ना
उसका एक हिस्सा ये है, मैं किसी से पूछता हूँ तो ही करता हूँ। अब तूने जो ये सवाल किया, इसलिए हमारे हजरत के पास चल ताकि ये मसला हल हो जाए। आप जवाब देने न जाएं, इंशाल्लाह अगर वो आएगा तो समझा देंगे, अगर नहीं आया तो आप समझ जाए। बात समझ में आई? अगर कोई आपसे सवाल करे तो आप ये कहो, तकलीद का एक हिस्सा ये कि किसी से समझना, तो चलो मैं तुम्हें अपने हजरत के पास लेके चलूं, वो आपको समझाएंगे। अगर वो आ गया तो हम उसको समझा देंगे, अगर नहीं आया तो आप समझ जाओ। क्या समझ जाओ? बोलो ना प्यारे कुछ तो, क्या समझ जाओ आप? नहीं समझे? चलो कुछ तो बोलना चाहिए। आपने ये समझना है कि ये हमारे साथ नहीं आ रहा है, इसकी वजह ये है कि ये अपनी बात पर सच्चा, अगर सच्चा होता तो हमारे साथ आता, सच्चा नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है। ये बात सबसे पहले अपने अपने जहन में रखें। दूसरी चीज, जो भी जुमले दुनिया के अंदर कहे जाते हैं उसके तकरीबन दो माने जरूर निकलते हैं। जैसे यहां पर एक डिक्शनरी में लुगवी माना और एक शरई माना होगा, और कभी कभी आदमी जो जुमले बोलता है उसके पीछे भी दो माने छुपे हुए रहते हैं, आदमी को इसे भी समझने की जरूरत है। अब तकलीद, किसी को अपना मान लेना, किसी की गुलामी का पट्टा अपने गर्दन में डाल लेना, लुगत का कहना है किसी के गुलामी का पट्टा अपने घर पे गर्दन पे डाल लेना, ये तकलीद है। और शरई माना ये है कि किसी के कलाम को ये समझकर मानना कि कुरान और हदीस की रोशनी में इन्होंने मुकम्मल सच और सही कहा है, इसमें कोई भी खराबी नहीं है, ये समझकर मानना, ये शरई तकलीद है। कुरान और हदीस से जो बात वाज़े तौर पर बयान कर दिए गए उस पर हम या शाफई या मालिकी हम्बली किसी की तकलीद नहीं करते। जो मसला वजाहत के साथ दुनिया में बयान नहीं किए उसकी हम तकलीद करते हैं। अच्छा, जो इमाम आजम अबू हनीफा को मानता है या इमाम शाफई को मानता है या इमाम मालिक को मानता है या इमाम अहमद बिन हम्बल को मानता है, उन चार मानने वालों को मुकल्लिद कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुकल्लिद यानी तकलीद करने वाला, मुकल्लिद यानी। अब ये जो चारों में से किसी इमाम को नहीं मानता उसे गैर मुकल्लिद कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर मुकल्लिद कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, गुरकंबल कईकम्ब हमारे पास में इलाका है, हम लोग वहां कभी जाएं तो मुसाफिर भी नहीं होते। एक मर्तबा हमारे अब्दुल हफीज भाई को याद है या नहीं पता, बहुत पुरानी बात है, हम लोग वहां इज्तिमा करने के लिए गए, असर की नमाज का वक्त था, इमाम साहब ने कहा हजरत आप नमाज पढ़ा दे। अब मैंने असर की नमाज पढ़ाया, मैं दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद, सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मैंने जो है नमाज पढ़ाया। अब मैंने जब नमाज पढ़ा के बाहर आया तो एक आदमी ने मुझसे सवाल किया कि हजरत आपसे एक सवाल है, आप ये बताइए, हनफी इमाम बड़े हैं, शाफई इमाम बड़े हैं, मालिकी इमाम बड़े हैं या हम्बली इमाम बड़े हैं? देखिए ऐसे सवालात आते, ऐसे सवालात आते। अब आप बताइए आप जवाब क्या देंगे कि इसमें बड़े कौन हैं? इल्मी एतबार से अलग होना बड़ा अलग है, नसबी एतबार से बड़ा वो अलग है, तो सबको जवाब देने के लिए है कि कौन बड़ा है। तो मैंने उनसे पूछा आप कौन है, आप किसको मानते हैं? आप हनफी इमाम को मानते हैं कि शाफई इमाम को? हमारे यहाँ तो दो ही लोग पाए जाते हैं, या तो वो हनफी होगा या तो शाफई होगा। मैंने पूछा आप हनफी हैं कि शाफई है? कहा मैं दोनों नहीं हूं। मैंने कहा यानी आप मानते नहीं इमाम को? माँ मैं किसी इमाम को नहीं मानता। मैंने कहा फिर आपके लिए सबसे बड़ा इमाम मैं हूं। उसने पूछा वो ऐसे क्यों? मैं बोला सर आप मेरे पीछे पड़े ना, आप असर में बोले ना पीछे इस इमाम के। मैंने कहा आप उनको नहीं मानते मुझे मानते हो, आपके लिए बड़ा इमाम मैं। तो फिर वो खामोश हो गया, यानी जैसे को तैसा।
जैसा उसने सवाल किया उसको वैसा ही जवाब। जब वो इमाम को मानता ही नहीं तो उसे सवाल की जरूरत है। सवाल की जरूरत किसे है? वो मानने वालों को। अब मानने वाला अगर पूछे कि बताओ शाफई इमाम बड़े हैं कि हनफी इमाम बड़े हैं, तो इमाम शाफई कहते हैं फिक्ह में हम औलाद हैं, अबू हनीफा बाप है। ये इमाम शाफई का जवाब है। लेकिन अहले मोहब्बत से पूछें इमाम शाफई बड़े हैं या इमाम आजम बड़े हैं, इल्मी एतबार से इमाम आजम का मकाम बड़ा है, लेकिन चूंकि इमाम शाफई सैयद हैं, अहले बैत के एतबार से इमाम शाफई का मर्तबा बुलंद है नसबी एतबार से। बहरहाल ऐसे तो बहुत सारे मामले। अब मैं आपको ये बताने चला हूं तकलीद मुकल्लिद। अच्छा गैर मुकल्लिद जो होते हैं ना, गैर मुकल्लिद इनका सबसे बड़ा मसला क्या है, इसे आप गौर से सुनो। और ये बात अगर आप समझ गए तो मैं समझता हूं कि आप अहले सुन्नत को समझ गए और आप कामयाब हो। ये बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात, लेकिन मैं इसको और भी आसान करके समझाने की कोशिश करूंगा। गैर मुकल्लिद मुकल्लिदों से कहता है। हम कौन है बोली, हम कौन है प्यारे? सिर्फ हम ही मुकल्लिद नहीं है, गरीब नवाज भी मुकल्लिद है, गौसे पाक भी मुकल्लिद है, इमाम बुखारी भी मुकल्लिद है, इमाम मुस्लिम भी मुकल्लिद है, सारे मुहद्दिसीन भी मुकल्लिद है। ये सब मुकल्लिद ही है, जितने औलियाए किराम का हम जिक्र पढ़ दे सब मुकल्लिद है। अब गौर से आप सुने इस बात को, गैर मुकल्लिद मुकल्लिद से कहता है, गैर मुकल्लिद मुकल्लिद से कहता है, तुम क्यों कुरान के रहते हुए और हदीस के रहते हुए तीसरे को मानते हो? गौर से सुनना, किसे मानते हो? जब कुरान भी है हदीस भी है, गौर से सुन रहे ना। देखो अगर आप ये बात नहीं समझेंगे तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी, मैं पूरी ताकत लगा के बता रहा हूं, मौलाना मुश्ताक साहब की दुआओं से मैं पूरी ताकत लगा के आपको ये बात बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? गैर मुकल्लिद मुकल्लिद से सवाल करता है, कुरान है हदीस है, तुम तीसरे को क्यों मानते हो? इमाम आजम अबू हनीफा को क्यों मानते हो? सवाल अच्छा है ना, सवाल बजाहिर अच्छा है। जब कुरान भी है हदीस भी है, उसको मेरा एक इल्जामी जवाब ये है, जब दवाई की किताब है तो देवदास एगड़े को क्यों मानते हैं? शांताराम शेट्टी के पास क्यों जाता है? हाँ? है ना, दवाई मेडिकल कॉलेज की किताबें नहीं है, किताबें ले किताबें घर पे रख। कैंसर की दवाई क्या है? फर्स्ट स्टेज में है तो कौन सी दवाई? डॉक्टर के पास मत जा, किताब पढ़, रात दिन मेहनत कर, शेखुना गूगल से पूछ के गूगल मेरी मदद कर दे, किताबें ला कर दे, कैंसर पे मुझे रिसर्च करना है। और जैसे ही दवाइयों की लिस्ट आए ना, एक लिस्ट अपने एतबार से बना, अगर कोई बीमार है घर पे तो वो दवाइयां मंगा, जो 3 महीने में जाने वाला है वो 3 दिन में चला जाए। कुछ तो पैसे बचेंगे गैर मुकल्लिद होने के, कुछ तो फायदा होगा। तो आप बताइए, कोई डॉक्टर का इलाज किताबें पढ़कर नहीं करता, डॉक्टर के पास ही जाता है, डॉक्टर के पास ही जाता है। हर चीज में आदमी तकलीद करता है, हर चीज में। मैं अब आपको सिंपल बात, इधर उधर ना जाए, मैं वहीं पे आने की, मैं वहीं पे मुझे वापस आना है। गैर मुकल्लिद मुकल्लिद से सवाल करता है कि तुम तीसरे को क्यों मानते हो? भूल गया तो याद दिलाना। आदमी हर चीज में तकलीद करता है। अच्छा हम लोग और आप जो बात करते हैं ना, मंजे तुझे आया गया आंगन दर्जा, ये सारी बातें आप बताइए, ये बातें भी एक तकलीद ही का हिस्सा है। एक बच्चा पैदा हुआ, बोलने लगा, मैं बात तो चिकरूंगा नहीं, मैं देखूंगा सो क्यों बात बराबर करना, वही सच करूंगा सो। इसलिए कि दूसरों का देखकर चलना यही तो तकलीद है, किसी को मानना यही तो तकलीद है। हम जो बोली बोलते हैं, अगर मलयालम बोलते हैं तो मलयालों की हमने तकलीद की, उनकी नकल की, उसी तरीके से बोलते हैं। लिबास पहनने में तकलीद है, बोलने में तकलीद है, खाने में तकलीद है, रहन सहन में तकलीद है, तहजीब तमद्दुन हर चीज में तकलीद है। तकलीद के बगैर इंसान को चारा नहीं है,
इंसान जी नहीं सकता, हर चीज में किसी ना किसी को मानता ही है। अब ये जो बोलते हैं कि किसी को मत मानो, किसी को मत मानो, किसी को मत मानो, मैं कहता हूं कि जो ये बोलता है उसको मत मानो। जो ये कहता है ना किसी को मत मानो, किसी को मत मानो, आप क्या करो उसको मत मानो, जो कहता है किसी को मत मानो, इसलिए कि वो झूठ कहता है। वो क्या कहता है? झूठ कहता है। टैक्सी वालों की यूनियन है, रिक्शे वालों की यूनियन है, बाल कटाने वालों की यूनियन है, सब उसी में जुड़े रहते हैं। एक भी अलग होता है, गैर मुकल्लिद होता है उसमें, उसमें भी वो लोग तकलीद करते हैं, वो भी एक तकलीदी का हिस्सा है। अगर उसको लुगवी एतबार से माने या शरई एतबार से भी देखेंगे तो वो किसी ना किसी चीज में मानते जरूर हैं। लेकिन अगर जो लोग ताना ये देते हैं जब कुरान है हदीस है तो फिर किसी और की बात हम क्यों माने, तो हम कहते हैं कुरान हदीस ही नहीं सारी चीजें। अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज मत भेजाओ, किसी टीचर प्रोफेसर के सामने मत बिठाओ, सारी किताबें मौजूद है, दुकान से खरीदो, घर पे लाके कहो बच्चे से के पढ़ो। अब्बा मंजे एबीसीडी जाता नहीं, मुछड़ो मारो पढ़ो, तीसरे को मान डालने में जरूर। हमें गैर मुकल्लिद तुझे मालूम नहीं, हमें किसे भी मानते नहीं, फिर किताब पढ़ना सो मंजे पढ़ना पढ़ना चाहिए। तो ये हालत हो जाएगी अगर वो, मैं कहता हूं अगर गैर मुकल्लिद अपने आप पे सही गैर मुकल्लिद हो जाए ना, अच्छा गैर मुकल्लिद, मैं कहता हूं कि उसका जीना दुश्वार हो जाएगा। वो ये कहेगा कि मैं पैदा ही क्यों। अब आपको मैं अपने सवाल की तरफ लाता हूं। गैर मुकल्लिद ये पूछते हैं मुकल्लिदों से, अल्लाह की किताब कुरान है, रसूलुल्लाह की अहादीस है, तो तुम तीसरे को क्यों मानते हो? तीसरे को, सवाल समझ गए ना? जब वो ऐसा सवाल करे तो आप 30 जूस की कुरान लेके जाना उसके पास, 30 पारे के कुरान उसके पास लेके जाना, 18, 19, 20, 21, 16, 17 कोई भी एक पारा खोल कर कहना ये खोल, अब तुम यहां से पढ़ो, मुझे समझाओ कि इसमें क्या है। यो अरबी में सो, फिर मैं तर्जुमे ट्रांसलेशन का कुरान, तुम्हें कैसे बोलने का तीसरे को मानने बस नहीं, किसे मानने बस नहीं, बात समझो, किसे, तीसरे को नहीं मानना, अल्लाह, अल्लाह के रसूल, कुरान हदीस, कुरान हदीस, अल्लाह रसूल। मुझे आप बताओ अल्लाह ने जो कुरान नाजिल किया वो ट्रांसलेशन वाला कुरान नाजिल किया कि बगैर ट्रांसलेशन के, बोलो। अच्छा जिसने ट्रांसलेशन किया वो खुदा है या रसूल है? ट्रांसलेशन आज के दौर में जो किया हुआ है ना, अल्लाह ने ट्रांसलेशन करके दिया ना रसूलुल्लाह ने करके दिए। अभी जो हालात देख रहे हैं वो किसी ना किसी मौलवी ने किया है। किसने किया है? उनके किसी मौलवी ने किया है, बहुत सारे लोगों ने किया, देवबंदी मकतबे फिक्र के मौलाना वहाबियों के भी किए, वहीदुज़्ज़मा ने किया, मौलाना नजीर हसन ने किया, अब्दुल करीम पारेख ने किया, अशरफ अली थानवी ने किया, सुन्नियों में इमाम अहले सुन्नत ने किया, मुहद्दिस आज़म हिंद कचौचवी ने किया, और भी बहुत सारे लोगों ने तर्जमा किया। तो तर्जमा कुरान का, तर्जमा ट्रांसलेशन करने वाला ये तो खुदा नहीं है, वो तो कोई तीसरा ही है। अगर कोई गैर मुकल्लिद कहता है अल्लाह और रसूल की किताब कुरान और हदीस के अलावा कुछ ना मानो, अगर वो ट्रांसलेशन वाला कुरान पढ़ता है तो अपने दावे में वो सच्चा है कि झूठा है? क्यों झूठा है? इसलिए कि वो तीसरे की पढ़ रहा है। किसकी पढ़ रहा है? तीसरे की पढ़ रहा है। और हदीस जो है, हदीस वो भी बगैर ट्रांसलेशन के पढ़े। ये सारे ट्रांसलेशन की किताब पढ़ते हैं, कुरान भी ट्रांसलेशन वाला, हदीस भी ट्रांसलेशन वाला। मैं आपको बताऊं, जो लोग आज कुरान का तर्जमा कर रहे हैं,
अब से 100, 150, 200, 250 साल पहले वो लोगों को तो लोग मानते हैं जो 250 साल पहले तर्जमा किए उनको मानते हैं। इमाम आदम अबू हनीफा, इमाम अइम्मा, काशिफुल गुम्मा, सिराजुल उम्मा, अल्लामा नौमान इब्ने साबित अलैहि रहमा 250 साल पहले के नहीं है, ये तो 80 हिजरी के हैं, हुजूर अलैहि सलाम के जमाने से बहुत करीब के हैं, और हम वो खुश नसीब है ये तो 250-300 साल पहले के मौलवी को मानते हैं, हम तकरीबन 1400 साल पुराने मुहद्दिस को मानते हैं। हम में और उनमें बड़ा फर्क है, जमाने रसूल से जो करीब है उस इमाम आजम अबू हनीफा को हम मानते हैं, और ये उसे मानते हैं जो जमाने रसूल से बहुत बात के हैं, बहुत बात ये मानते नहीं। अगर कोई गैर मुकल्लिद कहता है हम नहीं मानते, तो मैं उसे सलाम करता हूं, उसे यहां पर बिठाता हूं, कुरान पाक देता हूं, 30 पारे बगैर ट्रांसलेशन के वो कुरान सुनाए, लेकिन सुनाने से पहले, तर्जमा पढ़ने से पहले उसे ये बताना पड़ेगा ये वो सीखा कहां से, इल्मे नहव कहां से सीखा, इल्मे सर्फ उसने कहां से सीखा, कुरान के तर्जमा करने का कायदा कानून वो कहां से सीखा। अगर वो कहेगा मैंने फला फला किताबें पढ़ी है, फिर भी उसे बैठने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि वो किताबें भी अल्लाह ने नाजिल नहीं की, किसी मौलवी ने लिखी, किसी मौलवी ने लिखी है वो किताब, उस किताब को पढ़कर भी ये कुरान का तर्जमा नहीं कर सकता। अगर वो किताब पढ़कर तर्जमा करे फिर भी तीसरे को मान ना पाया जाए, उनका दावा तो है कि तीसरे को मत मानो, हम कहते हैं कि तीसरे को बगैर माने तुम यहाँ पर आके दिखाओ, और वो सारी चीजें नहीं कर सकते प्यारे। इसलिए अहले सुन्नत पे साबित कदमी के साथ रहे, गैर मुकल्लिदों के आज चूके ये प्रोपेगंडे हो रहे हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है और लोगों को इस मामले में बहकाने की कोशिश की जा रही है, तुम हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली क्यों हो, अगर हम उलमा को लाकर बताएंगे तो आपको और भी दलाइल के साथ पता चलेगा कि ये चारों मजाहिब हक हैं, और बड़े बड़े दौर के उलमा ने ये कहा कि जो इन चार मसलकों में, चार मजहबों के अंदर है वही इस्लाम में है, जो इन चारों से हट गया वो इस्लाम पर नहीं है। बैरिया, अब मैं आपको जो है ना एक दूसरा सवाल, वो सवाल भी बहुत जरूरी है। अच्छा, ये सवाल लोग करते हैं, मुझे कभी कभी बोलते हो थोड़ा सा, अगर आपकी तवज्जो इधर उधर रही ना तो फिर मसला बिगड़ेगा, तवज्जो होना चाहिए। सहाबाए किराम, कौन सहाबाए किराम, ना हनफी, ना शाफई, ना मालिकी, ना हम्बली, हम और आप हनफी, कुछ भाई यहां पर हो सकता है एक दो शाफई भी हों, आपने हम्बलियों को भी देखा होगा, मालिकियों को भी देखा होगा। अब ये कहते हैं सहाबा तो मुहम्मदी, सहाबा मुहम्मदी, तुम हनफी, अब बताओ सहाबा हक पर हैं कि तुम हक पर हो। सुन्नी ये सवाल सुन के डरा, या अल्लाह अभी गैर नहीं, क्या अभी करूं, डरना, डराया जब भी जाएगा ना, आप डरिए मत, बहुत सारे लोग डराएंगे, डराने वाला इसीलिए डराता है कि डर जाए, लेकिन हर कोई नहीं डरता, हर कोई इसलिए कि जो अपनी जगह पर रहेगा, पीछे से कोई भी वार्न मारे लेकिन आदमी अपनी जगह से जाने वाला जाता ही रहता है, वो डरता कौन है पता है, जो रॉन्ग साइड में रहता है, देख जल्दी से गाड़ी इधर उधर किया, कभी टकरा के गिर गया, जो अपनी साइड से चल रहा है वो घबराता नहीं, कहता है उसको हॉर्न मारने दो, जाना हो तो जाएगा, गाड़ी के पीछे लिखा भी रहता है दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, बोल हाँ गाड़ी के पीछे लिखा रहता है, हाँ बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसे सब लिखा रहता है ना, मैंने भी एक गाड़ी के पीछे पड़ा था, दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, तो ऐसा लिखा रहता है। तो हर हॉर्न मारने वाले के लिए जवाब देना जरूरी नहीं है, आदमी अपनी जगह से जा रहा है तो जाए, अब उसको जाना है तो फिर उसकी मर्जी,
चाहे आगे जाए चाहे पीछे जाए, या नहीं तो दोनों के मसले में वो नीचे जाए। ये बात समझ गए तो सर? तो ऐसा डराते हैं तो आपने करना क्या? इसका जवाब क्या? सबसे पहले सहाबाए किराम को किसी की तकलीफ की जरूरत नहीं थी। सहाबाए किराम को किसी की तकलीफ की जरूरत इसलिए कि वो जमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में ही थे। हम भी जमाने मुस्तफा में ही हैं, लेकिन वो जाहिरी जमाने मुस्तफा में थे। हुजूर अलैहि सलाम का जाहिरी दौर था, उन्हें कोई भी मसला होता वो हुजूर अलैहि सलाम से पूछ ले, मालूम कर लेते थे, मालूम जैसे पता चला वैसे अमल कर लेते थे। लेकिन हम और आप जमाने मुस्तफा से, जाहिरी जमाने मुस्तफा से दूर हैं। अब आपको मैं इसे मिसाल, अब ऐसे नहीं समझेंगे, ये बात आपके ऊपर से जा रही है, समझ में नहीं आ रहा, इसको मैं आसानी से समझाता हूं। हाफिज मुश्ताक साहब, हाफिज मुश्ताक साहब उपड़ा जो रेलवे स्टेशन देख रहे हैं आप, रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं ना, वहां पर प्लेटफॉर्म के करीब में हाफिज मुश्ताक साहब का घर है। कहां पर है? प्लेटफॉर्म के बिल्कुल करीब इनका मकान है। मेरा मकान बहुत दूर है, कैयार में, कन्याना में, बायार में, सुनकदगट्टा में, कहीं पर भी बेरियार, मेरा बहुत दूर है, इनका स्टेशन से बहुत करीब है। एक ट्रेन रोज आना मुंबई जाती है, ट्रेन का नाम है मालिक दीनार एक्सप्रेस। ट्रेन का नाम क्या है? एक फर्जी वाकिया बयान कर रहा हूं ना, मतलब बनाकर आपको मिसाल देके समझा रहा हूं ना, ऐसा है नहीं, होने ऐसा हो सकता है, ये बता रहा हूं ना मैं आपको। तो मालिक दीनार एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 786। ट्रेन का नंबर कितना है? 786। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ठीक 2:30 को निकलने वाली है। ये रोज का है, 2:30 निकलती है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म है, ट्रेन का नाम मालिक बिन दीनार एक्सप्रेस है और ट्रेन नंबर 786 है। अब आप मुझे बताइए, हाफिज मुश्ताक साहब प्लेटफॉर्म से करीब इनका घर है, अगर इनको कभी मुंबई जाना है और इनको टिकट के लिए फॉर्म फिल करना है तो फॉर्म भरने के लिए इन्हें किसी की जरूरत है, मदद की जरूरत है? क्यों नहीं है? इसलिए कि ये प्लेटफॉर्म से इतने करीब हैं, प्लेटफॉर्म से करीब रहने की वजह से इन्हें पता है ट्रेन का नाम क्या है, ट्रेन का नंबर क्या है, किस प्लेटफॉर्म से निकलेगी, कितने बजे निकलेगी, सब इनको पता है। लेकिन मैं तो कन्याना में रहता हूं, मुझे अगर मुंबई जाना है तो मैं अमीर को फोन करूंगा, पूछूंगा अमीर साहब, अमीर से मुराद नाम अमीर है उनका, अमीर खान को उनको फोन करूं, पूछूं ट्रेन है, वो कहेंगे हाँ ट्रेन है, कितने बजे? 2:30। कौन सी ट्रेन है? मालिक दीनार एक्सप्रेस है। ट्रेन नंबर क्या है? 786 है। कौन से प्लेटफॉर्म से जाएगी? 5 नंबर से जाएगी। मुझे इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत पड़ी, मुझे लेने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे अमीर की जरूरत इसलिए पड़ी कि मैं प्लेटफॉर्म से बहुत दूर रहता हूँ। हाफिज मुश्ताक को जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि प्लेटफॉर्म से बहुत करीब रहते हैं। अब आप समझ जाइए, सहाबा हुजूर के करीब थे, उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी। हम हुजूर के जमाने से बहुत दूर हैं, हमें इमाम आजम की जरूरत है। बात समझ में आई है? ये मिसाल आपके समझ में आई ना? तो हमें जरूरत इसलिए है कि हम जमाने नबवी से दूर हैं, और इन्हें जरूरत सहाबा को इसलिए नहीं थी कि वो जमाने मुस्तफा में ही मौजूद थे। और दूसरी चीज हम देखें कि इमाम शाफई और इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, ये चार अइमा को हम हक मानते हैं, सच मानते हैं, जिसके हवाले से मुफ्ती इश्तियाक साहब ने तफसीलन बताया था कि उन्होंने एक उसूल बनाया, उस उसूल को उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों में समझाने के लिए टीम तैयार की, और उसी उसूल के मुताबिक दुनिया के अंदर उलमा,
बहुत कसरत के साथ पाए और उन्होंने उसी मेहनत की और उसी तरीके से उन्होंने जो है पूरी उम्मत तक उस चीज को पहुंचाने की पूरी कोशिश और तकरीबन अपने कोशिश में कामयाब है और आज भी। और मजे की बात आप सुने, बहुत प्यारी बात है में आ गई और इस तकरीर में फायदा है, कुर्सी में बैठकर बोलने में फायदा क्या होता है, बहुत सारी बात आती है, आराम से बैठा रह जाए आदमी बहुत सारी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदुस्तान ये चुके यहां जमहूरियत मुसलमानों को भी कोर्ट में मजहबी एतबार से लड़ने का हक है। अगर कभी मजहबी मामले के पेश नजर जैसे विरासत का मसला आया, तलाक का मसला आया, ये सारे मसाइल पर कोर्ट में जब जाते हैं, मैं आपको बताऊं कि हर कोर्ट में एक किताब होती है जिस किताब की बुनियाद पर मुसलमानों का फैसला होता है। हिंदुस्तान में आज जो कोर्ट में जो मुसलमानों का फैसला होता है वो फिक्हे हनफी की किताब से, फतावा आलमगीर के एतबार से फिक्हे हनफी की किताब को माना जाता है। मैं गोयन मुल्लादीन से कहता हूं, तुम हुकूमत से भी कह दो हम इन्हें नहीं मानते तो फिर तुम्हारा वहां पर भी फैसला नहीं। हर जगह आप देखिए तीसरे को मानकर चलना पड़ेगा, अगर तीसरे को नहीं मानेंगे तो फिर हमें हर जगह मामलात फंसे नजर आएंगे। अब जो है एक और सवाल जो मेरे ज़हन में, मैं आपको उसके हवाले से तसल्ली का जवाब दूं, ये तो हमारे समझ में आ गया कि सहाबाए किराम क्यों तकलीफ नहीं करते थे और हम क्यों तकलीफ करते हैं। अब एक सवाल, ये बहुत जरूरी सवाल है, इसे भी सुन लें। हम कहते हैं हनफी इमाम भी हक पर है, शाफी इमाम भी हक पर है, मालिक इमाम भी हक पर है, इमाम अहमद बिन हंबल भी चारों हक पर, तुम चारों सही बोलते हो, हमको गलत बोलते हो, हम चारों नहीं मानते हमको गलत बोलते हो। मैं आपको बहुत आसानी से मसला भी है ना आपके ज़हन में डालने की कोशिश करूं, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی بہت زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، سوا ہی گھنٹہ ہوا ہے تقریر شروع ہوئے، انشاءاللہ اور تھوڑی دیر میں آپ کو بولوں گا، زیادہ وقت نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ ساتھ دیں گے تو مجھے یہ مسئلہ سمجھانے میں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ کے سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ بول ہی رہے ہیں، آ رہی ہے نا۔ अब चारों हक पर हैं, हम चारों को हक पर मानते हैं, तो अब उनका सवाल है कि तुम चारों को हक पर क्यों मानते हो, ये सही कैसे हो सकता है? अगर तुम रफ़ादेन नहीं करते तो तुम भी सही, शाफ़ी रफ़ादेन करते हैं वो सही, हम रफ़ादेन करते हैं गलत। तुम सूरह फातिहा नहीं पढ़ते इमाम के पीछे तुम सही, शाफी पढ़ते हैं सही, गैर मुकल्लिद पढ़ते हैं गलत, गैर मुकल्लिद पढ़ते हैं गलत, ऐसा ये भी सवाल है ना। शाफी पढ़े तो सही, गैर मुकल्लिद पढ़े तो, अब गैर मुकल्लिद किसे बोलते हैं पता है आपको? तकरीर खत्म होने है, गैर मुकल्लिद कौन है, कौन? अरे हमारे गांव में क्या बोलते हैं, हाँ दुनिया में मुझे दो चीज से बहुत डर लगता है, एक सेल्फी और एक तो मैं सर सेल्फी से और सेल्फी से बहुत डर लगता है। सेल्फी में इधर उधर हुआ जान का खतरा और सेल्फी में इधर उधर हुआ ईमान का खतरा। अल्लाह हमें सेल्फी से भी बचाए और दोनों चीज से अल्लाह हमारी हिफाजत। ये सवाल याद है ना आपको, हनफी मालिकी हंबली हनफी, हम ये चारों को सही कहते हैं लेकिन जो इससे हटे हुए हैं गैर मुकल्लिद ने हम गलत कहे थे, उसकी वजह क्या है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे इमामों,
हर चीज को इंसान आसानी से समझ जाए, आसानी से समझ जाए। मैं आपको बताऊं, एक मतलब ऐसा हुआ हमारे मोहल्ले की मस्जिद में असर की नमाज, और असर की नमाज के वक्त नमाज में हम गए, इमाम साहब दूसरे थे, असर की तवज्जो नहीं दिया, असर की नमाज पढ़े, असर की नमाज पढ़ के हम नीचे आए तो दुबई से एक साहब आए हुए थे मोहल्ले में, मुझे मोहब्बत से बुलाया, शादी कर रहा हूं, तुम असर पड़े हो इमाम साहब के पीछे, कैसा लगा? मसला अलग है, ये बड़े पुरानी बात है, मणिमंडल की बात है, ऊपर मस्जिद नमाज होती थी, सीढ़ी चढ़ के उतरना आना जाना, तो मैंने कहा कि क्यों ऐसा क्या हुआ? बोले मैं औ बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा शुरू करता ही था, तीसरी रकात में इमाम अल्लाह, मैं बोला आप क्यों पढ़ते थे सूरह फातिहा? तो बोले वो बुखारी शरीफ है ना, मैं पीछे मुंह देखे दुबई में जब आलिम बन गए कमाने जाने ना दुबई, फिर मैं सोचा दुबई में कोई अरबी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होंगे, वो आलिम बन गए, ऐसा सोचा, लेकिन फिर कपड़े से आलिम नजर नहीं आ रहे थे, जेंटलमैन थे, फिर भी मैं सोचा हो सकता है पैंट शर्ट वाला कोई मदरसा आ गया होगा। मैंने कहा वो हदीस शरीफ आपको याद है? वो मैंने उतड़ा उन्हीं से सीखा, उन्हें कहा याद है, मैंने कहा क्या है? ला सलात इल्ला बि फातिहतिल किताब बुखारी शरीफ में। मैं बोला यार ये हम लोग कितने साल मदरसे में पढ़ के हम लोगों को याद होने, इनको माशाल्लाह याद हो गया। मैंने कहा इसका मतलब का जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी नमाज में उसकी नमाज नहीं हुई। मैंने कहा बहुत सही बात है, यानी आप देख घबराना और मार रहे थे, क्या कर रहे थे? और लेकिन मैं अपने सर पे नहीं था, मैं रोंग से में नहीं था, इसलिए मैं घबराया। मैंने कहा इसका माना कहा कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई। मैंने कहा कितनी रकात में? चार रकात वाली नमाज में चारों में पढ़े कि नहीं एक में पढ़े? तो बस समझ आ जाए ना बात, चार रकात नमाज है असल की, चारों रकात में सूरह फातिहा पढ़ना है कि नहीं एक रकात में पढ़े हो जाएगा? नहीं नहीं, वो चारों रकात में पढ़ना। जमात कायम हो गई, इमाम साहब सूरह फातिहा भी पढ़े और एक सूरत भी पढ़े, आप वजू करके जैसे अंदर आए इमाम साहब अल्लाहु अकबर बोल के रुकू में जा रहे हैं, तो आप अंदर आके क्या करेंगे? सूरह फातिहा पढ़ेंगे कि रुकू में जाएंगे? बोले मैं रुकू में जाऊंगा। मैं बोला आप रुकू में गए तो फिर आपको रकात मिलेगी कि नहीं? नहीं मिलेगी मुझे रकात। अच्छा आपको रकात मिली तो आप चार रकात वाली नमाज जब पढ़ेंगे तो आप कितने में सूरह फातिहा पढ़ेंगे? कहा तीन में। मैंने कहा पहले वाले में आप नहीं पढ़े? नहीं मैं रुकू में पहुंचा था। मैं बोला उसका सूरह फातिहा? नहीं हदीस में इमाम का किरत से हमारा किरत। मैं बोला हमें भी ओची बोलने हैं, हम भी यही तो कहते, हमारा कहना भी यही है इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है, तुम पसते हो तो मानते हैं, हम हंसते हंसते मानते हैं। तुम कब मानते हो? पसके मानते हो और हम हंसते हंसते मानते हैं कि इमाम की किरात ही हमारी किरात है। और जो है ना ये अकल भी क्या कहती है पता है? अकल का तकाजा भी क्या है? हम इतने सारे लोग हैं, यानी एक ही पंचायत, मतलब हमारा जो है ना वार्ड नंबर एक ही है 23, मणिमुंडे का ही वार्ड नंबर ले लेंगे 23 वार्ड के हम लोग सब। हमारे यहाँ पर जो है ना रोड सही नहीं है। एक दिन जो है ना जिलानी साहब ने कहा मैं पढ़ाने जाता हूँ रोड सही नहीं है, चलो एहतजाज करते हैं।
पंचायत के सामने जाकर अगर हम एहतजाज करेंगे, सब लोग साथ में मिलके बोलेंगे कि सब लोग बड़ी मुंडे रोड बराबर नहीं, हमने बराबर कर दो, सब लोग साथ में बोलेंगे या सब लोग खामोश रहेंगे कि अकेला बोलेंगे? अकेला बोलेगा और सब लोग क्या करेंगे? हाँ हाँ, ओए ओए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, समी अल्लाह लिमन हमीदा, रब्बना वलकल हम्द, अल्लाह अकबर, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल आला। यानी ज्यादा काम इमाम करेगा, हम बीच बीच में साथ देते रहे। दुनिया का भी यही दस्तूर है, वही दस्तूर नमाज में भी है, वो अंदाज दिया गया है। तो ये अंदाज फिक्र अब कहेंगे शाफई लोग मानते हैं, शाफई लोगों के पास दलील है, वो इसलिए मानते हैं। अब वो क्यों मानते हैं, वो क्यों सही है, वो भी आप सुनेंगे। फिक्र हनफी तो सही है, फिक्र शाफई क्यों सही है? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देकर और मिसाल देकर बातें समझाना, ये कुरान और हदीस की रोशनी में सुन्नत है। मिसाल देखकर बातें समझाना कुरान और हदीस की रोशनी में सुन्नत है। इंशाल्लाह ये बात कह के हम जिक्र दुआ की तरफ लौटेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम सहरी वगैरह कर लेंगे इंशाल्लाह। चारों सही कैसे हैं? डॉक्टर जो होते हैं ना, आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, ऐसे डॉक्टरों की किस्म है ना, तकरीबन चार किस्म के होते हैं, अलग अलग दवाइयां होती है उनकी। एक आदमी है, एक आदमी है, वो एक डॉक्टर के पास जाकर दवाई लिया। किसके पास जाकर लिया? डॉक्टर के पास जाकर दवाई लिया। एक आदमी मेरे पास आ गया, मैं डॉक्टर के पास दवाई ले चुका था इसलिए मुझे पता था। मैंने कहा तुझे शुगर है, ये गोली ले, तू भी खा बोल के। डॉक्टर की गोली लेके मैं खाया, मैं बीमार हुआ। मेरी गोली लेकर दूसरे ने खाया, वो भी बीमार हुआ। तो हिंदुस्तान का कानून और दुनिया का कानून ये कहता है डॉक्टर पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, डॉक्टर पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? उसकी वजह ये है कि डॉक्टर के पास दवाइयां देने की इजाजत है, लेकिन मेरे पास वो देने की इजाजत मुझे नहीं है। अगर मेरी दवाई खाकर वो बीमार हुआ तो मुझ पर केस हो सकता है, अगर वो अच्छा भी हो गया, अगर डॉक्टरों ने शिकायत की फिर भी मुझ पे केस हो सकता है, इसलिए कि मुझे वो देने की इजाजत नहीं है। तो इसी तरीके से दीनी मसाइल बताने के लिए मुज्तहिद होना जरूरी होता है। अगर कोई गैर मुज्तहिद होगा तो वो जो है किसी को इन सारी चीजों के हवाले से मसाइल नहीं बता सकता। और मुज्तहिद के भी कई किस्में हैं, मुज्तहिद के 10 किस्में बताई गई हैं, जो उसमें सबसे ऊंचे किस्म पर, सबसे बड़े किस्म पर फाइज होगा दर्जे पर, उन्हें हक है, उसके बाद वालों को उससे कम दर्जा है। तो बहरहाल अब मैं आपको ये बात समझाने लगा हूं मिसाल के तौर पर कि चारों सही कैसे हैं। आफिद मुश्ताक साहब किबला अभी बैठे, अभी जल्दी जाएंगे इंशाल्लाह, जिक्र दुआ तक रहेंगे हजरत इंशाल्लाह। तो हाफिज मुश्ताक साहब एक डॉक्टर के पास जाकर आए सर दर्द की गोली लेकर। मैं भी इन्हें रास्ते में मिला, इन्होंने मुझसे कहा कि कहां गए थे, मैंने कहा कि मैं हॉस्पिटल गया था डॉक्टर के पास सर दर्द की गोली लेकर आया। मैंने कहा मुझे भी सर में तकलीफ थी, मैं भी गोली लेकर आया। अब ये और मैं चूंकि दोस्त हैं, दोनों को सर में दर्द है, लेकिन ये आयुर्वेदिक के पास गए हैं, मैं एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया हूं, तो क्या सेम केस के लिए हम गए दोनों डॉक्टर के पास, यहां लाकर हम दवाई बदल सकते हैं? बोले दवाई बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। मेरी दवाई मैं उन्हें नहीं दे सकता, उनकी दवाई मैं नहीं ले सकता, लेकिन सेम टाइम पर उनका डॉक्टर भी सही है, मेरा डॉक्टर भी सही है, उन्हें उसने भी जो है ना दवाई देने का इल्म हासिल किया, इन्होंने भी दवाई देने का इल्म हासिल किया, दोनों का इल्म हासिल करना साबित है, लेकिन उन्होंने अलग अलग चीज पर तहकीक की तो अलग अलग चीज उनके सामने सही आई। वो डॉक्टर कहता है कि ये खाएगा तो नुकसान है, वो डॉक्टर कहता है ये खाएगा तो मसला हो गया, लेकिन दोनों डॉक्टर बैक वक्त अपनी जगह पर सही हैं, उनकी दवाइयां भी सही है,
उनकी दवाइयां तब्दील भी नहीं की जा सकती। वैसे ही इमाम आजम की अपनी तहकीक है, इमाम शाफई की अपनी तहकीक है, और कोई हनफी कोई शाफई इस तरीके से मसाइल को तब्दील भी नहीं कर सकता कि जब चाया इस पे अमल किया, जब चाया उस पे अमल किया। जैसे चारों किस्म के डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक सही हैं, उसी मिसाल के मुताबिक चारों अइम्मा भी अपनी जगह पर सही हैं, और चारों अइम्मा के मानने वाले जितने मुकल्लिद दुनिया में पाए जाते वो भी कभी मसाइल को अपने तौर पर कि कभी इसकी मान लिया कभी उसकी मान लिया, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कि दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे कानून बनते हैं कि आप जिस एतबार से चलते हैं आपको उसी एतबार से चलना होगा, और आप जिस एतबार से हैं आपको भी उसी एतबार से। बहुत सारे लोग अब यहाँ पर और एक बात मैं बताकर अपनी बात खत्म करूं। कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग क्या कहते हैं पता है, बहुत मजे वाली बात है, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा मजा आएगा, थोड़ी नींद भागेगी। हजरत हमें सुननी चाहिए, पक्के सुननी है हमें। बद्दू कैसे हो, एक एक टाइम हमने नमाज पढ़ने किसके मस्जिद जाना पड़ता है, जाते वैसा गए जाएगी, वैसा हम लोग जा सकते हैं गए जाएगी। मतलब क्यों भाई, नहीं अहले सुन्नत की मस्जिद थोड़ी दूर होती है, इनकी मस्जिद थोड़ी करीब में है, तो वहां जाके पढ़ सकते क्या? तो मैं उनसे बोलता हूँ, अहले सुन्नत की मस्जिद दूर है तो अहले सुन्नत के अलावा किसी की मस्जिद नजदीक है, आप उनकी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते। कब पढ़ सकते पता है? आप मुंबई से आ रहे हो, आप मुंबई से सुनो गौर से, आप मुंबई से आ रहे हो और आपकी आदत है रात को 11 बजे सो जाने की, आपकी आदत है 11 बजे, लेकिन गूगल मैप में बता रहा है कि आप घर पे 1 बजे पहुंचोगे। तो मैंने कहा कि एक काम करो, भटकल में ही कहीं घर पे सो जाना, 11 बजते ही जाके दरवाजे पे खटखटाना, बोलना पूछे क्या, नहीं मैं 11 बजे डेली सोता हूं, ऐसा सोने आया हूं, मैं दूसरे यहां करना, मैं बोले दूसरे यहां मस्जिद। जैसे रात कितनी भी देर हो जाए तो अपने ही घर जाता है, तो वैसे ही नमाज के लिए कितनी दूर चलना पड़े अपनी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ो। जैसे नींद आएगी तो किसी के घर पे जाके नहीं सो सकते ना, तो वैसे ही किसी की मस्जिद में नहीं। अगर तुम्हारे बेटे ने एजे स्कूल में एडमिशन लिया है, अगर कभी आप उधर चले जाओ तो कुनिल में नहीं भेज सकते, सेम सिलेबस है, 8वीं क्लास में ही है, कुछ भी नहीं होता, सिलेबस सेम हो सकता है, इंग्लिश मीडियम ही है, 8 क्लास है, फिर भी आप नहीं भेज सकते। क्यों नहीं? इसलिए कि आपने एडमिशन एजे में लिया हुआ। तो जैसे दुनिया में ये तरीके कार है ना, तो उसी तरीके से दीन में भी तरीके कार है, उसको भी समझना हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये चीज हम नहीं समझ पाए तो याद रख लो, जितने भी लोग दुनिया के अंदर हमें आपको अहले सुन्नत से दूर करने की कोशिश करते हैं, वो दूर करते रहेंगे और उनकी पूरी मेहनत इसी पर रहेगी। एक हदीस पाक का हिस्सा मैं आपको सुनाकर अपनी बात इख्तिताम की तरफ ले जाऊं। लोगों को चाय का इंतजाम है क्या? अच्छा आप चाय पी के आएंगे क्या? नहीं आए तो एक काम करें, आप चाय पी के आ जाए, उसके बाद ये सिलसिला शुरू, नहीं बोल दो खत्म करो, इनको कहता हूं बोल को खत्म करे तो चूरे में जी करेंगे, बदु भूला को बिठा है तो पीछे वो लंबा करेंगे, है नहीं? उसमें अच्छा कौन सा बोल के देखता है ना आदमी, आसानी कौन सी है बोल के, तो आसानी देखकर ही आदमी करता है। ठीक है, बात खत्म करके चाय पियेंगे, चाय पी के जिक्र दुआ, उसके बाद इंशाल्लाह सहरी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम एक जगह से आ रहे थे, और से सुनिएगा, दो फिक हम शाफई हनफी जो मानते हैं ना, उस हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि सहाबाए किराम भी साथ थे। तो हुजूर अलैहि सलातो व तस्लीम ने कहा, ऐ मेरे सहाबा, अभी हमें यहां से बनू कुरैज़ा, ऐसा ही कुछ नाम है शायद, बनू कुरैज़ा जो है वहां जाना है। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा के मगरिब की नमाज वहीं जाकर पढ़, मगरिब की नमाज वहीं जाकर पढ़। तो सहाबा किराम निकले तो रास्ते में मगरिब का वक्त हो गया,
रास्ते में मगरिब का वक्त, यानी जाना था कासरगोड, अभी हम लोग एरियाली पहुंचे थे, मगरिब का वक्त हो गया। तो सहाबा इकराम ने क्या किया कि मगरिब का वक्त हो गया, नमाज पढ़ ले। तो सहाबा में इख्तलाफ हुआ। एक गिरोह ने कहा, हुजूर ने कहा बनी कुरैजा में पढ़े, वहीं पढ़ेंगे। कहा हुजूर अलैहि सलाम का मकसद ये था कि तुम जल्दी पहुंच जाओ, वक्त खत्म, वक्त शुरू होने से पहले पहुंच जाओ, तुम जल्दी पहुंच जाओगे वहीं वक्त शुरू होगा, वहीं पढ़ लेना। हुजूर का फरमाने का मकसद ये नहीं था कि तुम लेट हो जाओगे, वक्त शुरू होगे तो मत पढ़ना, ऐसा नहीं है। कुरान कहता है ना कि वक्त पर नमाज अदा करो। तो सहाबा ने कहा नहीं, रसूलुल्लाह ने कहा वहीं पढ़ो तो हम वहीं पढ़ेंगे। आधे ने कहा नहीं, कुरान तो कहता है कि वक्त शुरू हुआ पढ़ना चाहिए। तो आधे सहाबा ने नमाज पढ़ी, आधे सहाबा बनी कुरैजा जाकर उस कबीले में नमाज अदा की। उसके बाद जब हुजूर अलैहि सलातो व तस्लीम तशरीफ लाए तो सहाबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने ये कहा था हमने ये किया, इन्होंने ऐसा किया। फिर उनके हवाले से लोगों ने कहा कि उन्होंने या रसूल अल्लाह कुरान पे अमल किया। हुजूर अलैहि सलातो व तस्लीम ने दोनों के काम को पसंद फरमाया, किसी को बुरा नहीं कहा, यानी दोनों ने शरीयत मुतहरा पर अमल किए थे। जैसे जो लोग बनी कुरैजा में जाकर मगरिब पढ़कर भी सही हैं और जो लोग रास्ते में पढ़े वो सही हैं, वैसे ही हनफी और शाफई भी सही हैं। जैसे सहाबाए किराम में इख्तलाफ होकर वो सही हैं, वैसे ही हनफी और शाफई सही है। और जो उलमा ने बताया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सारे तरीकों को जिंदा रखने के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने चार इमाम का एक निजाम दुनिया में दिया, ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जितने तरीकों पर नमाज पढ़े थे वो सारे तरीके, वो सारे तरीके जिंदा रहे, वो सारे तरीके क्या रहे, जिंदा रहे। अब एक बहुत अच्छी बात याद आई, आखिरी बात आके खत्म कर दो फिर आखिरी, ये तो बिल्कुल आखिरी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ये आखिरी सुनेंगे आप। हमारे एक दोस्त यहाँ पर आए मरकज का, हजरत हमारे एक भाई है रिश्तेदार में, उन्होंने चुरा इधर उधर हुए, बोल क्या हुए। हाँ और एक बात बताओ, अभी कुछ महीने पहले हम लोग एक मैयत के घर पे बैठे थे, एक आदमी आया बड़ी गाड़ी में आया, हम लोग सब बैठे, मैं है अब्दुल हफीज भाई और भी सब लोग बैठे, वो गाड़ी से उतरा सीधा गया, सलाम भी नहीं किया। तो मैं एक साहब से पूछा इन्हें उधर गई, सलाम क्या भी नहीं किया ना, बगैर सलाम करके निकला, पूछा इन्हें उधर, दोनों बोलते इन्हें उसी उधर, ये जो आया ना इन्हें उधर न मैं इन्हें उसी भी उधर बोल गए, बात समझ गए ना। हाँ बात समझ गए तो बताए बेरे। तो एक ने आकर कहा ये इधर उधर हो गए, आप लोग समझाएं। मैं और सैयद तौफीक साहब गए, जाने के बाद उपड़ा से मतलब आसपास है या तो कासरगोड के करीब, अभी याद नहीं आ रहा है कहाँ पे बात हुई थी, हम लोग गए गाड़ी पे गए, काफी टाइम रहे वहां पर। फिर वह बंदा आया, बंदा आकर फौरन क्या बोला पता है, चारों इमाम एक ही टाइम संगत क्यों होने, सीधा क्यों उधरने हो, चार इमाम भी सीधा बोलो क्यों होने का। मैं बोला उन्होंने उल्टा क्यों है बोल को तू बता ना, हमें सीधा बोल ले गए, अभी तू बोल रहे हो उल्टा तो बता तू कैसे है, नहीं वो सीधा होता ना वैसा। तो सैयद साहब ने भी एक मसला उन्हें बताया, कहा मैं एक दो हदीस तेरे सामने पेश करता हूं। कितनी हदीस है, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, एक ही वक्त पे सारे हदीसों पे अमल नहीं हो सकता, सारी हदीसों पर एक साथ अमल नहीं हो सकता। और से सुनिए, बात सुनने की बात नहीं बोल रहा हूं मैं आप, ये समझने की बात बोल रहा हूं, कौन सी बात बोल रहा हूं, लेकिन सुनकर ही समझना है, ये बात सुनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, समझने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन इस बात को आपने सुनकर ही समझना है। कैसे, हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, एक सहाबी आए कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम मैंने वजू किया था, बीवी को हाथ लगाया, क्या हुक्म है। हुजूर ने फरमाया वजू करके फिर से नमाज पढ़ो। तो फिर एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने वजू किया था, बीवी को हाथ लगाया और नमाज भी पढ़ लिया। हुजूर ने फरमाया तुम्हारी नमाज होगी, तुम्हारी नमाज
फिके हनफी का मसला है कि वजू करने के बाद बीवी को हाथ लगाया तो वजू नहीं टूटेगा। फिके शाफी का मसला है वजू के बाद हाथ लगाया तो वजू टूट जाएगा। अब ये दोनों हदीस से साफ सही हदीस से साबित है। अब एक बंदा जो कहता है कि सारी हदीसों पे अमल करो, तो आप उससे कहो कि ये दो हदीस पे एक साथ अमल करो। बात समझ में आई नहीं आई ना? नहीं आई तो नहीं बोलो प्यारे जुनेद, नहीं आई ना? हाफिज मुश्ताक कह चाय पिलाए बाद में समझाओ। अब एक काम करें, जिसको ये समझ में आया वही चाय पिए। बात समझ आई? ये देखो, एक बंदा एक सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह वजू किया था, बीवी को हाथ लगाया, क्या करूं? हुजूर ने फरमाया वजू करके नमाज पढ़ो। फिर एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह वजू किया था, बीवी को हाथ लगाया, नमाज भी पढ़ लिया। कहा नमाज हो गई। अब यहां पर मसला ये है कि अगर कोई गैर मुकल्लिद बोले ना कि बीवी को हाथ लगाया और वजू टूट गया, तो फिर उस हदीस का क्या करेगा जिसमें हुजूर ने कहा नमाज हो गई? दोनों हदीस एक साथ सही नहीं हो सकती ना, लेकिन दोनों हदीस एक साथ सही हो सकती है। गैर मुकल्लिद जिस निगाह से देखता है उस निगाह से एक हदीस गलत है, एक हदीस सही है, लेकिन हमारे यहाँ पर दोनों हदीस सही है। लेकिन मसला ये है, एक सही हदीस को हनफी अमल करेंगे, दूसरे सही हदीस पर शाफी अमल करेंगे। बात समझ में है ना? दोनों हदीस सही है, एक ये अमल करके बताएंगे, हनफी उस हदीस पे अमल करके बताएंगे हमारे हुजूर की वो बात सच है, शाफई इस हदीस पे अमल करके बताएंगे हुजूर की ये बात सच है। फिर शाफईयों से आप पूछो हनफियों का जो मसला है तुम क्या कहते हो, वो कहते सही है। हमसे पूछो शाफईयों का मसला क्या है, हम कहते सही है। लेकिन गैर मुकल्लिद को कहना पड़ेगा, अहले हदीस सलफी को कहना पड़ेगा एक हदीस सही है ये गलत है। या तो एक ही वक्त में दो हदीस पे अमल करने की कोशिश करेगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैयत का गुसल तो हो जाएगा, इसका वजू नहीं हो पाएगा। बात समझ गए? उसकी मैयत की गुसल का वक्त तो आ जाएगा, लेकिन उसके नमाज के लिए वजू का वक्त नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग तकरीबन बातें समझ चुके होंगे। आप लोग अब जाइए चाय वगैरह पीजिए, चाय पीकर वापस आना है ना इंशाल्लाह। आइए चाय पीकर आ जाइए, फिर जिक्र दुआ इंशाल्लाह फिर से।